नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम कुमार, आप सबको स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल बीएससी कैंपस स्टडी में। दोस्तों, फाइनली बिहार बोर्ड ने 12th टॉपर 2020 का घोषणा कर दिया है। तो कितना टॉपर है, कहां का टॉपर है, मैं आज की इस वीडियो में बतलाऊंगा। साथ ही साथ बतलाऊंगा यदि जो आप लोग टॉपर रहेंगे 2020 का तो आपको किस तरीका से बुलाया जाएगा, सभी टिप्स इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और 10th वाले छात्रों के लिए कॉपी मूल्यांकन को लेकर बड़ी खबर, जो कि आपको भी जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक खास नोटिफिकेशन है। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि जो आप लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो के नीचे रेड रंग में सब्सक्राइब दिख रहा है तो उसे दबाकर बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको बिहार बोर्ड से जुड़ी न्यूज टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, इंटर में आर्ट्स व कॉमर्स के टॉपर्स इस वर्ष जिले से होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटर में आर्ट्स व कॉमर्स के टॉपर्स इस वर्ष जिले से होंगे, यानी हमारा डिस्ट्रिक्ट से ही कोई टॉपर है, ठीक है। जितना भी जिला है इसी में से कोई टॉपर है। तो आगे देखते रहिए क्या मामला इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आगे आप लोग यहाँ पे देखिए, बोर्ड ने इंटरव्यू के लिए दो परीक्षार्थियों को बुलाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इंटर में इस वर्ष आर्ट्स व कॉमर्स के टॉपर मुजफ्फरपुर जिले से हो सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जिले के एक छात्र व एक छात्रा को साक्षात्कार के लिए बुलावा भेजा गया है। छात्र आरडीएस कॉलेज का और छात्र एमडीडीएम कॉलेज की है। आगे आप लोग यहां पे देखिए, मामले को लेकर बोर्ड की ओर से डीओ को जानकारी दी गई। इस आधार पर दोनों कॉलेज को सूचना दे दी गई है। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी में दोनों स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए सोमवार को पटना बुलाया गया। बताया जा रहा है कि इंटर के तैयार रिजल्ट में जिले से दो परीक्षार्थियों की सूची टॉपर लिस्ट में है। इसे देखते वे बोर्ड ने वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलावा है, ठीक है, बुलाया है। टॉपर्स घोटाला सामने आने के बाद बोर्ड ने टॉपरों को लेकर अपनी परिपाटी को बदल दिया है। इसमें टॉपर लिस्ट में नाम होने पर उन्हें एक्सपर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस दौरान परीक्षार्थी से विषय से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। बोर्ड के विशेषज्ञ छात्र या छात्रा की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट होते हैं, इसके बाद अंतिम रिजल्ट जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, 10th वाले छात्रों को पहले, 12th वाले छात्र अभी जाइएगा नहीं। यहाँ पे देखिए, मैट्रिक वाले छात्र मैट्रिक कॉपियों का मूल्यांकन रोका, ठीक है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए एहतियाती और तौर पर मैट्रिक परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 31 मार्च तक स्थगित रहेगा, ठीक है। हालांकि राज्य के 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी क्षेत्रीय कार्यालय इस दौरान खुले रहेंगे। मैं आप लोग बता दूं दोस्तों, मैट्रिक यहाँ पे मैट्रिक कॉपी मूल्यांकन जो कि रोक दिया गया है, अब आपको 31 का बात किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर वाले छात्रों को यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यदि जो आप लोग टॉपर रहिएगा तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट फोन आएगा, ठीक है। फोन आएगा और उसमें बोला जाएगा कि आपका इतना अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं आपको बता दिया जाएगा कि आप टॉपर हैं, आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि इतना अच्छा आपका नंबर आया है तो आप यहाँ पे बोर्ड आइए, ठीक है। तो आपको बोर्ड जाना है, वहाँ पे आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और वहाँ पे भी नहीं बताया जाएगा कि आप टॉप 10 में है या टॉप 20 में है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यदि जो टॉपर रहिएगा तो आपको क्या किया जाएगा, आपके पास डायरेक्ट फोन आएगा और बोला जाएगा आपको कि इतना अच्छा आपका नंबर आया है, आपको बोर्ड में इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। तो आप जाइए वहाँ पे इंटरव्यू आप लोग दीजिएगा, ठीक है। यही है इंफॉर्मेशन, अब आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, दो ही है, इंटर में आर्ट्स व कॉमर्स का टॉपर इस वर्ष जिले से होंगे, ठीक है, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पे साफ तौर पर बताया जा रहा है मुजफ्फरपुर, सोच लीजिए, ठीक है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और दो टॉपर यहाँ पे सामने आए हैं, ठीक है। और रिजल्ट इस बार काफी बम्फर आएगा, क्योंकि कल हमने यहाँ पे बोर्ड से बात किया था तो वहाँ पे बताया जा रहा था, हमने वहाँ पे पूछा लेकिन साफ तौर पे नहीं बताया गया, वहाँ पे बताया गया था कि इंटर का रिजल्ट पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बेहतर आएगा, ये रियलिटी है, कल हमने बात किया था, ठीक है। 2019 की अपेक्षा 2020 में रिजल्ट काफी बेहतर आएगा,
अब आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ हमने वहां पे पूछे कि सर रिजल्ट कब आ रहा है, तो रिजल्ट का भी डेट यहाँ पे कंफर्म नहीं बताया गया। उसने बताया कि 12th का रिजल्ट जो कि लास्ट मार्च तक आएगा, ठीक है, और मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल का फर्स्ट वीक तक आएगा, ऐसा बताया उन्होंने, ठीक है। इसलिए हमने ये जानकारी दे दिया। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।